नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल। देखा जा रहा है आज एक आम समस्या बन गई है। हर कोई व्यक्ति सर्वाइकल की समस्या से प्रभावित है। चाहे कोई बच्चा है तो वो सर्वाइकल से पीड़ित है, कोई वयस्क व्यक्ति है तो वो सर्वाइकल से प्रभावित है, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको सर्वाइकल है। चाहे कोई महिला घर में रहती है तो उसको भी सर्वाइकल हो सकता है, कोई ड्राइविंग ज्यादा करता है उसको भी सर्वाइकल हो सकता है, कोई कंप्यूटर लैपटॉप पर काम ज्यादा करता है तो वो भी सर्वाइकल से पीड़ित हो सकता है। यानी कि यूं कहें कि सर्वाइकल आज एक आम समस्या है और एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आज इससे कोई भी अछूता नहीं रहा। और दोस्तों, सर्वाइकल होने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा ठीक प्रकार से कार्य ना करना। यानी कि बात करें महिलाओं की, वो जो घर में कार्य करती हैं, वो झाड़ू लगाती हैं, वो किचन में काम करती हैं या घर का कोई अन्य काम करती हैं, उसमें वो ज़्यादा झुकती हैं, उनका पोस्चर गलत हो जाता है जिसके कारण से उनको गर्दन में स्टिफनेस हो जाती है और कई बार तो स्वेलिंग भी हो जाती है। जो लोग ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, बाइक ज़्यादा चलाते हैं, कार ज़्यादा ड्राइव करते हैं, उनका पोस्चर गलत है, बैठने का तरीका गलत रहता है जिसके कारण से उनको गर्दन में स्टिफनेस होना, चक्कर आना, गर्दन जकड़ जाना, बहुत सारे कारणों से भी सर्वाइकल हो सकता है। या बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कंधे पर ज्यादा वजन रहता है, उनके बैग का वेट ज्यादा है, उसके कारण से उनको सर्वाइकल हो जाता है। आज हर व्यक्ति मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करने लगा है। यानी कि जब हम इस प्रकार से बात करते हैं या इस प्रकार से हम फोन पर बात करते हैं, हमारी गर्दन एक साइड में चली जाती है, जो सर्वाइकल होने का आज एक बहुत बड़ा कारण है। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, देखते हैं आज हम पलंग पर बैठकर ही काम करने लगते हैं घरों में, जिसके कारण से हमें ज्यादा झुकना पड़ता है और हमारी स्पाइन पर प्रेशर आता है, जिसके कारण से हमें नेक स्टिफनेस हो जाती है और सर्वाइकल हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और दोस्तों, जब सर्वाइकल होता है तो सर्वाइकल के साथ में बहुत लक्षण भी नजर आते हैं। जैसे मैंने बताया, गर्दन स्टिफ हो जाना, गर्दन में इन्फ्लामेशन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना, गर्दन घूम भी नहीं पाती, और जब ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो दोनों हाथ सुन्न होने लग जाते हैं। यानी कि अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख नहीं पाते, पेन पकड़ने में कठिनाई आती है, हमारी हाथ की उंगलियां भी सुन्न हो जाती हैं। और जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, हेडेक रहना, आंखों के आसपास वाला जो आईब्रो का एरिया है यहां पर दर्द होना, डॉक्टर के पास जाते हैं, पेन किलर दी जाती है, सिकाई करने के लिए कहा जाता है, पेन किलर कुछ देर कार्य करती है, थोड़ा आराम पड़ जाता है, सिकाई करते हैं थोड़ा आराम पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म होता है दर्द वापिस आ जाते हैं। व्यक्ति ना काम पे जा पा रहा है, ना घर का कोई कार्य कर पा रहा है, व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, समझ में नहीं आता, वो समझ ही नहीं पाता कि सर्वाइकल होने से भी क्या इतनी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों सर्वाइकल, कई बार तो कॉलर लगाना पड़ जाता है, डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट करना है, घर पे लेटे रहना है, व्यक्ति ऑफिस से छुट्टी ले लेता है, काम का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। व्यक्ति करे तो करे क्या? दोस्तों, आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताने वाला हूं, कुछ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट्स बताऊंगा, कुछ छोटी सी एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसे अगर आप अपने घर पर भी करेंगे, सावधानी से करेंगे, तो आपको बहुत आराम आने वाला है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों देखेंगे, सीधे खड़े होना है या बैठे बैठे भी कर सकते हैं अगर आपको खड़े होने में कठिनाई है। अपने दोनों हाथ हमें इस प्रकार से कंधे पे रखने और इस प्रकार से दोनों हाथों को मूव करना, इस प्रकार से आगे आके देख रहे हैं मेरी कोहनियां मिल रही है, ऐसे ही आपको करना है, और ऐसे ही फिर दूसरी दिशा यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से आपको करना है। शुरू में 15 बार 20 बार करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही दोनों हाथों को सीधा रखना है और इस प्रकार से जब हम ये क्रिया करते हैं, जो हमारे हाथों की उंगलियों तक सुन्नपन आ रहे हैं, हैवीनेस हो रही है, उसमें सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो दर्द खत्म हो जाता है। कोहनी ना मुड़े, इसका ध्यान रखें। ऐसे ही लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। उसके बाद अपनी जो चिन्ह है, ठोड़ी है, इसको कंधे पे लगाने का प्रयास, ऐसे दूसरी साइड, ऐसे इधर, ऐसे इधर, इस प्रकार से ये आप बारी बारी से करते जाएं, और उसके बाद गर्दन को
ऐसे मूव करना, गर्दन आपको पूरी नहीं घुमानी। अगर हम इस प्रकार से घुमाते हैं तो गलत हो जाता है और चक्कर भी ज्यादा हो जाते हैं। हमें क्या करना है, यहां से शुरू किया और यहां तक लाए, यहां से शुरू किया इधर तक लाए, केवल इतना पूरा घुमाएंगे तो तकलीफ बढ़ती है। इस प्रकार से ये कुछ क्रियाएं करनी है। और अब देखते हैं न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स। पेशेंट को सीधे कुर्सी पर बिठाना है, थोड़ा सा टैलकम पाउडर लेना है, यहाँ कान के नीचे एक नस आती है, यहाँ थोड़ा सा टैलकम पाउडर लगाना है, ऐसे ही दूसरी साइड। अंगूठे से हमें प्रेशर देना है और काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स, ऐसे ही दूसरी साइड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से करना है। पेशेंट के दोनों हाथ साइडों में लटके रहने चाहिए और अपने अंगूठे को और उंगली को इस प्रकार से रखना है और हमें इस प्रकार से क्लॉकवाइज करते चले जाना है। इस प्रकार से कोहनी के पास तक लाना है, कोहनी के पास तक इस प्रकार से लाना है, पास 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 इस प्रकार से करना है। फिर ये हाथ हम सिर पर भी रख सकते हैं जिससे सिर हिलेना, पूरा जो ये रिप्स वाला एरिया है, क्योंकि जब भी सर्वाइकल होता है तो इधर से नर्व जा रही हैं जो हमारे हाथों की उंगलियों तक जाती हैं, तो उनमें जब सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो उधर दर्द हो जाता है। इस प्रकार से करते जाना, इस प्रकार से करना है। उसके बाद देखेंगे ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है जिसे हम T1 T2 वर्टिब्रा बोलते हैं, और कुछ लोगों की तो ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है इस पर, तो इसको क्या करना है, अपने अंगूठों से इस प्रकार से थोड़ा सा घिसना है, रब करना है अच्छे प्रकार से, इसको दबाना है ऐसे, क्योंकि जब हम इसको दबाते हैं तो वहाँ सर्कुलेशन बढ़ता है और दर्द ठीक हो जाता है। इस प्रकार से करना है। उसके बाद दोस्तों नेक पर हमें थोड़ा सा पाउडर लगाना होता है, इस प्रकार से थोड़ा सा पाउडर लगा लेना है, इसको इस तरीके से कर लेना है, और अपने ये जो हाथ है हमारा, इस हाथ से हमें इस प्रकार से घिसना है, जो नेक की नर्व्स हैं वो स्टिफ हो गई हैं, हाथ बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद इस प्रकार से, यानी कि पूरे नेक की हमें घिसाई करनी है अच्छे प्रकार से। इस प्रकार से करना है। उसके बाद दोस्तों ये देखेंगे, ये जो सिर का नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, हमें अपने अंगूठे से यहाँ इस प्रकार से दबाना छोड़ना है इस प्रकार से। ये देखें, अगर आपको देखने में कठिनाई हो तो इस प्रकार से कर सकते हैं, पास पास इस प्रकार से, इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों अभी आपने देखा न्यूरोथेरेपी का सर्वाइकल के लिए ट्रीटमेंट, कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज, और साथ में आप कुछ सावधानियां रखें, जैसे कि अगर आप सोते हैं सिर के नीचे हाथ लगाकर सोते हैं तो भी आपको सर्वाइकल हो सकता है, तो हाथ लगाने की आदत है इसको छोड़ दें, मोटा तकिया लगाते हैं उस आदत को आप छोड़ दें, फोन पर बहुत ज्यादा देर बात करने की आदत है तो हैंड फ्री करके बात करें, लैपटॉप कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो टेबल पर कंप्यूटर लैपटॉप रखिए, चेयर पर आप बैठे, और जब भी आप बैठे आपका ध्यान होना चाहिए कि आपका पोस्चर ठीक रहे, तो आपको सर्वाइकल नहीं होने वाली है। या जो महिलाएं हैं घर में कार्य करती हैं, उनको ध्यान रखना है कि जब भी वो कार्य करें तो इस प्रकार से करें कि उनको आगे ना झुकना पड़े। अगर आप ये सावधानी रखेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ परहेज करेंगे, और अगर ज्यादा स्टिफनेस लगती है, भारीपन लगता है, तो हल्की सी आप सिकाई कर सकते हैं, किसी कपड़े से करते हैं या पानी की बॉटल से भी कर सकते हैं, तो अगर आप ये सारे कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपकी सर्वाइकल की समस्या हमेशा के लिए ठीक होगी ही होगी। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।